2011 में मुझे वीडियो वॉलंटियर्स के बारे में पता चला। मैं असंगठित कामगारों पे काम कर रहा था मेरे मालेगांव एरिया में। माइग्रेशन का इशू है हमारे एरिया में, इस पर मैं काम कर रहा था। तभी मुझे लग रहा था कि मीडिया में ये बात आनी चाहिए ताकि हमारे इश्यूज पे और दुनिया में लोग चर्चा कर सकें, लेकिन वो बात कहीं हो नहीं रही थी। तभी मुझे पता चला कि वीडियो वॉलंटियर के जरिए ये मेरा जो सपना है वो पूरा हो सकता है। तो म्हाडा एक ऐसा महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है जहाँ पे शहरी जो अतिक्रमण वाले एरिया के लोग हैं उनको शहर से बाहर उनको घर बांध दिए जाए, तो वहाँ पे शहर का डेवलपमेंट करने में वो मदद हो। तो वो म्हाडा के जो घरों की जो स्कीम आई, तो देहात के जो खाली बंजर पड़ी हुई ज़मीन या खेती की ज़मीन का यूज़ किया गया, क्योंकि शहर में तो ज़मीन खाली नहीं है, तो फिर हमारे गाँव की ज़मीन यूज़ की गई। तो वहाँ पे 20,000, 40,000, 60,000 ऐसे घरों का पैमाना बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे घर बनाए जा रहे वैसे वैसे ज़मीन अक्वायर की जा रही, तो उसमें गांव के लोगों का जो गाय भैंस चराने की जो जगह थी वो चली गई, पानी के तालाब वगैरह वो चले गए। उसके बाद उनके डेवलपमेंट के लिए जो स्थानिक डेवलपमेंट के लिए जो जगह चाहिए थी गाँव के वो भी चली गई, मेरी भी ज़मीन उसमें जा रही थी। जब हमारे बाजू के गांव में म्हाडा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी कि 25 घरों को उठा दिया, आदिवासियों के घरों को बिना कुछ नोटिस दिए उठा दिया था, घर तोड़ दिए थे, उनको सामान भी बाहर नहीं निकालने दिया था, और कोई चैनल वाला, कोई मीडिया वाला या कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था वहाँ पर। मीडिया का अपना एक ये है कि लोकल सब्जेक्ट पर उनको कुछ मतलब नहीं रहता है। अगर बड़े आदमी का, अमीर आदमी का कुछ हुआ हो तो उस पर ब्रेकिंग न्यूज चलती रहेगी उनकी। तो मुझे जैसे ही पता चली मैं वो सब्जेक्ट कवर किया। इस जगह पे कुछ दिन पहले म्हाडा प्रोजेक्ट ने अतिक्रमण किया हुआ है जिसपे दलितों की स्मशान भूमि थी, और फिर बाकी के आजू बाजू के गाँव में स्क्रीनिंग किया। तो इसलिए मैं गाँव वालों को तैयार कर पाया वो वीडियो दिखा के कि भैया ये हमारे गांव में भी आने वाला, और बाद में वो आया भी। तो गांव के जो हमारा समुदाय है वो ये हो गया कि ये हमारे ऊपर भी बीतने वाली, तो हमें संगठित होकर रहना पड़ेगा। अभी तो ये सब चीज़ें होने के बाद वहाँ पर भी कुछ नहीं हो पा रहा था, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर पब्लिक स्क्रीनिंग करके, वो स्क्रीनिंग करते करते उनको पूछते थे भैया आपको मुद्दा समझ में आया या आप उससे प्रभावित हो या आप इसके सपोर्ट में हो, तो फिर वो बोलते थे। तो फिर उनके सिग्नेचर लेके एक एप्लीकेशन बना के चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर और संबंधित जितने भी अधिकारी डिपार्टमेंट है उनको मैंने कुरियर किया, और उसके साथ वीडियो की DVD भी कुरियर की। और उसके बाद ऑनलाइन जो जो ईमेल IDs मिलते थे गवर्नमेंट के ऑफिसेस के, उनको ये सारा वीडियो और आर्टिकल अटैच करके भेजता था। तो उससे बदलाव ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये ज़मीन आपको छोड़ दी जाती है, तो उन्होंने स्ट्रक्चर पूरा हटा लिया, मतलब दूसरी जगह पे काम करना शुरू कर दिया, जो शुरू हुआ था वो तोड़ दिया। तो ये हमारे लिए एक, मेरे लिए और कम्युनिटी के लिए महत्व की और गर्व की बात हो जाती कि अगर वीडियो के जरिए या कम्युनिटी के साथ रहने की वजह से हमारी जो समस्या है वो दूर हो सकती है।